गाइस विश यू वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं आज संडे है। हम डेली बेसिस पे द हिंदू का एनालिसिस डिस्कस करते हैं। दिस इज संडे टुडे एंड हियर द डेट इज 26th अप्रैल। ओके, सो हम डेली बेसिस पे न्यूज़ आर्टिकल स्पेशली एडिटोरियल सेक्शन को डिस्कस किया करते हैं, लेकिन हमारा जो संडे होता है वो बेसिक न्यूज़ आर्टिकल्स पे होता है, बिकॉज आर्टिकल्स एडिटोरियल आर्टिकल्स हमें इस दिन नहीं अवेलेबल होते हैं, राइट? सो आइए बात करते हैं आज की मेन न्यूज़ के बारे में। क्या देखिए, मोस्ट ऑफ द जो न्यूज़ हैं वो COVID-19 से रिलेटेड है। सो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी न्यूज़ है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है, बिकॉज COVID-19 एक पेंडेमिक है जिससे हम सब लोग गुजर रहे हैं अभी। एंड इससे गुजरने के लिए काफ़ी सारी सरकारें, चाहे हम स्टेट गवर्नमेंट ले लें चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ले लें, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। ओके, तो उनके जो एफर्ट्स हैं वो हमें न्यूज़ के थ्रू पता चलते हैं। उनके जो स्टेप्स हैं, व्हाट दे आर टेकिंग टूवर्ड्स देयर स्टेट्स और देयर कंट्री, तो ये सारी चीज़ें हमें विद न्यूज़ समझ में आती है ना। तो न्यूज़ आर्टिकल्स जो हैं वो फुल्ली फाइनलाइज करके, हम कह सकते हैं एनालाइज करके हम तक न्यूज़ को पहुँचाते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक टूवर्ड्स इट। ओके, तो सबसे पहली जो आज हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे वो है नेबरहुड स्टैंड अलोन शॉप्स कैन ओपन इन अर्बन एरियाज़। अब जैसा कि आपको पता है कि कई सारे एरियाज़ में लॉकडाउन ओपन कर दिया गया है, मतलब अब लॉकडाउन नहीं है उन एरियाज़ के अंदर, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे संदिग्धों की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से, संवेदनशील एरिया होने की वजह से, वहाँ पे लॉकडाउन्स अभी भी कंटिन्यू है ना, जो कि 3 मई तक तो एटलीस्ट चलेगा। 3 मई के बाद भी गवर्नमेंट का डिसीज़न होगा कि हमें उन एरियाज़ में जो है लॉकडाउन को एक्सटेंड करने की ज़रूरत है या नहीं है, राइट? इसी दौरान जब लॉकडाउन काफ़ी एरियाज़ में ओपन हो चुका है तो, और काफ़ी जो है हमें ये बात सेंस क्रिएट हो चुका है कि देखिए पेंडेमिक जो है COVID-19 की अगर बात करें तो एक ऐसा पेंडेमिक है, ऐसा वायरस है जो कि एंड नहीं होने वाला। हमने देखा है चाइना बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था, बहुत सब कुछ करने के बाद भी उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने के बाद भी वापस ओपन करने पे वहाँ पे फैल गया COVID-19, है ना। सो दिस इज़ अ वायरस जो कि हमें जहाँ तक अब तक जितना पता चला, देखिए एक ऐसा वायरस है ये जिसके बारे में अभी तक हमें कुछ भी किसी कंट्री को फाइनलाइज करके कुछ भी पता नहीं चल पाया कि बेसिकली कैसा वायरस है, कब ख़त्म होगा, निकला कहाँ से है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं समझ में आई ना। हमें जो है हम ध्यान दे मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी सारे टेस्ट के बाद भी हम नहीं लगा पा रहे हैं पता कि ये किस चीज़ से कैसे फैला हुआ और कितने लॉन्ग ड्यूरेशन वाला या सब कुछ। ये सब चीज़ें अभी तक हम सिर्फ एक हम कह सकते हैं एक काल्पनिक जो है धारणा पर चल रहे थे, इमेजिनरी दैट इट कैन बी डन, अगर हम ऐसा करेंगे इट शुड बी डन, ये होगा तो ये ऐसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें सिर्फ काल्पनिक बेसिस, इमेजिनरी बेसिस पर, या हम कह सकते हैं कुछ नॉर्मल जो है प्रेडिक्शंस के बेसिस पर लगाई जा रही थी। अब ये सारी चीज़ें पता चलने के बाद में गवर्नमेंट्स ने डिसाइड किया है, कंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने और स्टेट गवर्नमेंट्स ने, कि हमें अब कुछ चीज़ें खोलनी पड़ेगी। हम इतने टाइम तक शटडाउन नहीं लेकर बैठ सकते, बिकॉज हम इकोनॉमिक सोशल हर तरह की इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं ना, पॉलिटिकल इश्यूज़, इकोनॉमिक इश्यूज, सोशल इश्यूज़, स्पेशली इकोनॉमिक इशू है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिकल इशूज़, बिकॉज पूरी तरीके से मार्केट क्लोज़ हो चुका है। मार्केट क्लोज़ होने की वजह से मनी सर्कुलेट नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट जितना हो सकता था उतना पैसा लगा चुकी है, इवन और भी लगा रही है, लेकिन इसके लिए उन्हें वापस सर्कुलेशन की नीड है, राइट? मार्केट में पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, बट मार्केट से पैसा गवर्नमेंट के पास जा नहीं रहा है ना। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कुछ डिसीजंस जो है वो लिए जा रहे हैं टाइम टू टाइम सरकार द्वारा। तो पहला जो है, नेबरहुड स्टैंड अलोन शॉप्स कैन ओपन इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज़ के अंदर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स और मॉल्स को ओपन करना अभी बिल्कुल भी सेफ जोन में नहीं आता है,
और हमें ज़रूरत है कि हम उनको अभी बंद रखें। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे डेली बेसिस पर आप कितना भी रिस्ट्रिक्शंस लगा लें, कितना भी जो कंट्रोल करने की कोशिश कर लें, आफ्टर लॉकडाउन देयर विल बी अ टाइम दैट दीज मॉल्स गेट रश्ड। ओके, तो इतने सारे लोगों को एक साथ गैदर होना अभी हमारे लिए, जब तक हम पूरी तरीके से COVID-19 से बाहर नहीं आ जाते, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम उसको फेस कर पाए। ठीक है, तो और अगर मॉल्स को ओपन किया जाता है तो इसका मतलब खुद से ऐसी परिस्थितियों को पैदा करना जो कि बिल्कुल नेगेटिव है और आप 100% आपके अंदर पॉजिटिव साइंस क्रिएट करेगी, किसके? COVID-19 के, राइट? तो ऐसा डिसाइड किया गया है गवर्नमेंट द्वारा कि हम वो सारे मार्केट्स, कॉम्प्लेक्स मॉल्स जो कि रश्ड होते हैं या जहाँ पे कह सकते हैं लोगों के जाने की संभावना ज़्यादा, इवन हम कहेंगे कि जनरली सारे कॉम्प्लेक्स और मॉल्स और मार्केट्स जो है वो अभी बंद रहेंगे। इसके अलावा जो आपके नेबरहुड शॉप्स जो होती है, छोटी मोटी शॉप्स जो होती है जो कि आपको बेसिक नीड्स प्रोवाइड करवाती है, वो ओपन रहेगी। ठीक है, ये गवर्नमेंट का डिसीज़न है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर 1429 न्यू केसेस आए हैं फ्राइडे को, फ्राइडे तक। ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर के केसेस हैं ये। इसके अलावा UGC जो है उन्होंने एकेडमिक कैलेंडर जो है रिलीज़ कर दिया है, इस मतलब इस हफ्ते तक रिलीज़ कर दिया जाएगा। देखिए, ओनली 15% ऑफ पुअर हाउस होल्ड्स रिसीव्ड पल्सेज। ऐसे सिर्फ 15% लोग हैं जिनको पल्सेज या बेसिक नीड्स प्रोवाइड हो रही है। देखिए, सरकार बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रही है जिससे कि लोगों के प्रॉब्लम्स फिनिश हो सके, लेकिन देखिए हर जगह नहीं पहुंच सकती गवर्नमेंट, है ना? एवरी इंडिविजुअल प्लेस की गारंटी, या देखिए गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इसीलिए बना है, गवर्नमेंट के अंदर पूरा एक चेन बना हुआ है। MLAs, MPs, वार्ड मेंबर्स एंड जो पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं, हम कह सकते हैं कि जो पंचायत समितीज एंड वार्ड मेंबर्स, गवर्नमेंट चेयरपर्सन्स, MLAs, MPs एंड अदर देन दिस, उससे ऊपर अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट में आता है, जैसे CMs है, गवर्नर्स हैं, है ना? उससे ऊपर जो सेंट्रल लेवल पे जो आते हैं वो पूरा मिनिस्ट्री है। तो इस तरीके से हर स्टेट की अपनी मिनिस्ट्री है, हर स्टेट का अपना एक पार्ट है, हर एक एरिया का, सिटी का अपना एक पोर्शन है जो कि पॉलिटिकली या कह सकते हैं सोशल जो है उसको कंसिडर करके बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें फुलफिल करने के लिए इन डिपार्टमेंट्स को बनाए गए हैं। इन डिपार्टमेंट्स को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, ठीक है? और इनको रोल प्ले करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप्स टूवर्ड्स इट। ओके, अब हम बात करेंगे लाइफ बिहाइंड द बैरिकेड्स। अब आपको ये पता है बैरिकेड्स के पीछे की लाइफ किसके लिए डिनोट है, ये किसको कर रही है? तो देखिए, ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है। इम्पॉर्टेंट मतलब अभी एट दिस टाइम जहाँ पे सब लोग डरे हुए हैं, अपने घरों में हैं, सब कुछ है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर वर सब कुछ छोड़कर बहुत लंबे टाइम से बाहर जो है सर्वाइव कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, बाहर घर वालों से मिल नहीं पा रहे हैं, बाहर ही खा पी रहे हैं, बाहर सो रहे हैं, इवन दिन दिन भर ड्यूटी कर रहे हैं, रात की ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्यों? क्योंकि वो हमारी लाइफ को सेव कर रहे हैं, है ना? अब उनकी लाइफ के बारे में एक आर्टिकल यहाँ पे दिया है कि वो बैरिकेड्स के पीछे उनकी क्या लाइफ क्या करते हैं या कैसी किस किस कारण वो ये सब है और उनका क्या जो है मोटिव है, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दी हुई है। आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। एक मैं आपको बता देती हूँ कि पोस्ट लॉकडाउन रूल्स फॉर गुरुग्राम यूनिट्स, गुरुग्राम में जैसा कि पोस्ट लॉकडाउन जो है रूल्स बनाए गए हैं जिसके तहत इम्पॉर्टेंट जो है इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे कि वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे, कुछ एरियाज़ में स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे और लोगों को एंट्री करने के लिए, बाहर जाने के लिए या फिर ऑफिसेज में कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स को फॉलो करना होगा, राइट? तो अगर आप काम पे जा रहे हैं तो आप CCTV फुटेज के अंदर होंगे, इवन आपके जो ट्रैवलिंग है वो रिस्ट्रिक्ट होगी पब्लिक एरिया से। इसके अलावा आपके आपकी पूरी वहाँ पे स्क्रीनिंग होगी। ये सब चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जो कि रूल्स बनाए गए हैं गुरुग्राम के अंदर, कि आप गुरुग्राम में ये सारे रूल्स फॉलो करेंगे तभी यू विल बी एबल टू डू दी जॉब्स और वर्क्स। ओके,
तो अथॉरिटीज़ ने देखिए वर्कर्स को ये तो कह दिया है कि हाँ ठीक है आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये सारे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे या दिस ऑल दीज न्यूज़ आर रिलेटेड टू कोविड-19, और कोविड-19 से रिलेटेड काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ है जो कि हम ऑलरेडी काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये जो है इम्पोर्टेंट नहीं बन जाती हमारे लिए, लेकिन ये सारी न्यूज़ देखिए आपको बिल्कुल पढ़नी चाहिए जिससे कि आपको प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में पता चले। देखिए एक और न्यूज़ है, मेंट टू सेल रेयर कॉइन्स ऑफ पीएम फॉर पीएम फंड। एक ये बहुत ही प्रेरणात्मक उदाहरण सामने आया है कि और काफ़ी न्यूज़ में भी ट्रेंडिंग में है, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम डेली बेसिस पे एक आर्टिकल ट्रेंडिंग का भी लेंगे, तो अभी ट्रेंड में है सोशल मीडिया पे जो छाया हुआ है ये आर्टिकल। एक 28 ईयर ओल्ड जो है पर्सन है उड़ीसा से, उसने 2 लाख एंटिक पीसेस जो है कॉइन्स जो है वो पीएम फंड्स के अंदर डोनेट करने का या देने का फैसला लिया है। ठीक है, अब वो ये सारे कॉइन्स एंटिक पीसेस को सेल आउट करेगा, उससे जो अमाउंट होगा वो गवर्नमेंट को ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से ये सोशल मीडिया में छा गया। ऑब्वियसली ऐसी कोई भी न्यूज़ होती है तो वो सोशल मीडिया को बिल्कुल हिट कर जाती है, जिससे कि सारे दिन हम लोग उसी न्यूज़ को कैरी ऑन कर सकते हैं, देखते हैं सोशल मीडिया पे हिट करने वालों, सारे दिन हम उन्हीं को फॉलो करते हैं उन न्यूज़ को, क्योंकि वो काफ़ी पॉजिटिव जो है साइंस देती है। इस पेंडेमिक के दौरान, हम पेंडेमिक के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, इसी बीच में इस तरह की न्यूज़ पॉजिटिव साइंस लेकर आती है ना। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे, नो न्यू केसेस आफ्टर 16 मई से स्टडी। ये एक रिलीफ जो है स्टेटमेंट है जो कि एक्सपर्ट्स द्वारा दिया गया है। उनका ये कहना है कि गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में तो बिल्कुल जो है नंबर बढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली, लेकिन उनका ये कहना है कि उनको देखते हुए और स्टडीज़ कर जो को अगर देखा जाए, जो रेगुलर स्टडीज़ रेगुलर बढ़ने वाली चीज़ों की बढ़ने वाले केसेस को स्टडी करके अगर बात की जाए, तो 16 मई के बाद में कोई बहुत ज़्यादा केसेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे, कोई नए केसेस जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। अब वो किस बेसिस पर कहते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ग्राफ की बात की है कि जो ग्राफ है वो इतना जो है अपवर्ड्स नहीं जा रहा है, वो लोअर डाउन होता चला, हाँ केसेस रेगुलर बेसिस पे सामने आ रहे हैं लेकिन वो लोअर डाउन होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये बात बताई गई है। इसके अलावा जो है एक ये भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि रोहतांग पास ओपन्ड 3 वीक्स इन एडवांस। रोहतांग पास को एडवांस में 3 वीक्स के लिए ओपन कर दिया गया है, 3 हफ्ते पहले ही ओपन कर दिया गया है उसे। क्यों किया गया है, जिससे कि एसेंशियल जो सर्विसेज है, एसेंशियल मूव्स को लाहौल और स्पीति जो है हिमाचल के अंदर, वहाँ से उसको एसेंशियल मूव्स जो है हम कह सकते हैं स्पेशल एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, और ये सारे काम के लिए इनको ओपन किया गया है ना। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट स्टेप है किसके प्रति, कोविड-19 से निपटने के लिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमने देखा। इसके अलावा ये देखिए, ये एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये जो है त्रिपुरा स्टार्टेड स्क्रीनिंग एयरपोर्ट्स एंड चेक पोस्ट एज अर्ली एज जनवरी। त्रिपुरा ने एक, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत कम केसेस देखने को मिल रहे हैं त्रिपुरा ने, है ना, ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ पे बहुत जल्दी ही जैसे ही पता चला इन सारी चीज़ों के बारे में, जनवरी से उन्होंने स्क्रीनिंग और एयरपोर्ट स्क्रीनिंग या जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको अपनाना शुरू कर दिया। इनको इम्पोज करने से वहाँ पे केसेस बढ़ ही नहीं पाए, उन्होंने इनिशियली एंटर करने से पहले ही स्क्रीनिंग के थ्रू इन सारे जो कोविड-19 के केसेस लक्षण जिसमें दिखाई दे रहे हैं उनको पहले ही स्टॉप कर दिया। तो उनके एरिया में त्रिपुरा के अंदर ये ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाया है ना। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है, ये है केयर डिनाइड्स टू नॉन कोविड-19 पेशेंट। अब देखिए हो क्या रहा है कि रेगुलर बेसिस पर केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, इस बेसिस पर हेल्थ जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनकी जान को भी खतरा है, वो लोग भी बहुत सारे जो है नेगेटिव उसको फेस कर रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए अगर हम बात करें तो हर जगह पे ये खौफ है कि कहीं आने वाला पेशेंट कोविड-19 से ग्रस्त तो नहीं है। तो हर डिपार्टमेंट में हर डॉक्टर पहले
ये इंश्योर कर लेता है कि आप COVID-19 की रिपोर्ट्स लेकर आइए तो ही हम आपको आगे टेस्ट करेंगे। अब देखिए इससे हो क्या रहा है, इससे बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो रहे हैं। जो हम कह सकते हैं जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको इमिजिएट हेल्थ, जो देखिए COVID-19 के अलावा हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऐसी बीमारियां होती है, ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें ट्रीटमेंट की नीड होती है। अब उस बेसिस पर अगर आपसे ये कहा जाए कि आप जाइए पहले COVID-19 की रिपोर्ट लेकर जाइए, तो कहीं ना कहीं ये मुझे या आपको, हम सभी को इफ़ेक्ट करेगा कि यार जो जिस तरह की प्रॉब्लम्स हम गुजर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है COVID-19 की रिपोर्ट। तो अच्छा ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनकी जान को भी तो खतरा है इस बात से, वो भी ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं इन सारी चीज़ों से। तो ये जो है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भाई देखिए कंटिन्यू इस तरह की चीज़ें बढ़ती चली जा रही है कि हेल्थ वर्कर्स बहुत ज़्यादा चपेट में आ रहे हैं COVID-19 के। इससे जो है ओवरकम करने के लिए ये स्टेप लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूएन पुशेस फॉर ग्लोबल वैक्सीन एफर्ट्स। तो देखिए यूएन ने जो है ये सभी जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको ये कहा है कि हमें जॉइंटली वर्क करना होगा, क्योंकि वायरस जो है वो 2 लाख के नियर बाय मतलब टोल कर चुका है। अब हमें ज़रूरत है कि प्राइवेट सेक्टर्स, वर्ल्ड लीडर्स सब लोग मिलकर एक साथ में वर्क करें, और अगर एक साथ में इसके लिए जो है ये जो वैक्सीन ढूंढा जाए या एक साथ में इसे लड़ने के लिए, जंग के लिए आगे कार्य किया जाए, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मेक इट हैपन, ओके। ये ऐसी अपील की गई है यूएन द्वारा। नाउ नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे, ठीक है ये दिस इज़ नॉट एट दैट मच इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एम्स टू शो द वे इन फाइटिंग वायरस। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने ही ऐसी उम्मीद दिखाई है कि वो वायरस के अगेंस्ट जो है फाइट कर पाएंगे। जो जो स्टेप्स वो ले रहे हैं ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, मतलब ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके COVID-19 को स्टॉप किया जा सके, और उनका ये मकसद काफ़ी हद तक पूरा भी हो रहा है ना। वहाँ पे पुलिस इम्पोज कर दी गई है बीचेस पर, सारे ट्रांसपोर्टेशंस बंद कर दिए गए हैं। तो ये सारे मेजर्स इसलिए लिए जा रहे हैं जिससे कि ये जो केसेस हैं COVID-19 के वो वहाँ पे मैक्सिमाइज ना हो सके, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये देखिए क्विक नोड लाइकली फॉर चाइना इन्वेस्टमेंट्स। अब देखिए गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर प्रपोजल्स इन नॉन सेंसिटिव सेक्टर, ऐसे सेक्टर्स जो सेंसिटिव नहीं हैं, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट से, जहाँ पे स्टेक्स खरीद लेने से हमें कोई खतरा नहीं है, ऐसे एरियाज़ को गवर्नमेंट अलाउ करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। सेक्टर्स लाइकली इन 15 डेज इफ स्टेक शॉर्ट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारी ऐसे एरियाज़ हैं इंडिया के जहाँ पे चाइना जो है इन्वेस्ट करना चाह रही है, क्यों, क्योंकि अभी सारे रेट्स कम चल रहे हैं ना, इकोनॉमी डाउन होने की वजह से चाइना को फ़ायदा हो रहा है। तो हम नॉन सेंसिटिव जोन्स जो है उनको साइड में रखते हुए मतलब सॉरी उनको जो है आगे करते हुए, सेंसिटिव जोन्स को साइड में रखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम लोग इस मामले में आगे बढ़ेंगे, और हम कहीं ना कहीं विचार करेंगे कि अगर ऐसा कोई सेक्टर है जो नॉन सेंसिटिव है तो डेफिनेटली हम उसके लिए इन्वेस्टमेंट को लेकर या उनके अंदर जो स्टेक्स हैं उनको, उसके बारे में कुछ सोचा जा सकता है ना। गवर्नमेंट ने ऐसा अप्रूवल दे दिया है कि अगर कोई सेंसिटिव जोन नहीं है तो वहाँ पे आप जो है चाइना जो है इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन मैच मेकर साइंस अप इंक्रीज 30%। तो मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के दौरान सभी जो लोग हैं वो बिज़ी हैं। अब जो मैरिज पर्पस से जो लोग काम हो सकते थे लॉकडाउन नहीं होता तो वो सारी चीज़ें अब ऑनलाइन देखने को मिल रही है। ऑनलाइन जो है 30% तक जो है ये मार्केट बढ़ गया है, किसका, ऑनलाइन मैच मेकर्स का। ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइन अप कर रहे हैं मैट्रिमोनियल साइट्स पे, जिसमें जो मेजर मैट्रिमोनियल साइट्स जो देखने को मिल रही है भारत मैट्रिमोनी एंड शादी .com, इस तरह की साइट्स जो है वहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि मैक्सिमम लोग कोशिश कर रहे हैं। या इट इज़ ऑल्सो अ गुड टाइम टू गो फॉर परफेक्ट मैच मेकिंग ऑब्जेक्ट्स, एंड डेफिनेटली इट कुड बी डन।
अगर एक पॉजिटिव साइन देखने को मिलता है लॉकडाउन के दौरान, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये है कि हाँ, ये एक पर्टिकुलर टाइम जिसको यूटिलाइजेशन कहते हैं, ये यूटिलाइजेशन भी बढ़ रहा है ना। नाउ अब हम लेंगे सी के जो है रंगनाथन जी का इंटरव्यू लिया गया है। उनका ये कहना है कि सैनिटाइजर्स इन सैशे टुक अप ओनली 15 डेज टू डेवलप। इनका मतलब है कि हम सिर्फ 15, हमने जो है इंस्टेंटली सैनिटाइजर्स जो है वो बनाना शुरू कर दिया सैशे के अंदर। तो देखिए, सैशेट जो आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, मैक्सिमम लेवल पे सैनिटाइजर्स जा रहे हैं मार्केट में। अब ये सब चीज़ें जो हो रही है, ये क्यों हो रही है? COVID-19 को स्टॉप करने, बट कितना? 15 डेज है ना, ये जो सैशेट्स बनाए गए हैं, इतना लार्ज लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग की गई है इमिजिएटली, है ना, सरकमस्टेंसेस को देखते हुए। तो कितने दिन तक ये आपको उससे बचा पाएगा? 15 डेज। इट कैन बी यूज फॉर 15 डेज, बट स्टिल इट इज़ अ फैक्ट दैट नो मैटर कि आप कितने प्रिकॉशंस यूज़ ले रहे हैं, या इट इज़ ए कंपल्सरी टू यूज़ द प्रिकॉशंस, टू बी प्रिकॉशियस, बट हेयर इट इज़ अ फैक्ट दैट COVID-19 डोंट हैव अ डेडलाइन। हमें COVID-19 ने कोई डेडलाइन नहीं दी है कि भाई मैं इतने टाइम तक हूँ, इतने टाइम अपने मेजर्स फॉलो कर लो, ऐसा नहीं है। ये एक कितने लंबे समय तक चलेगा हम नहीं जानते, लेकिन इसको देखते हुए, इसके लक्षणों को देखते हुए और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उनको देखते हुए, हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला वायरस नहीं है। इसको टाइम लगेगा कि ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में या क्रिएट होने का जो फॉर्म था इसका, उससे पहले के टाइम में वापस जाए, मतलब ओवरऑल ख़त्म हो पाए, है ना। नाउ एक आर्टिकल जो हम लेंगे वो है ये, देखिए, स्टॉप विलेनाइजिंग बेड्स से साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का कहना है कि बेड्स को विलेनाइज करना बंद कीजिए, बेड्स को गलत ठहराना बंद कीजिए, और जितना इजीली आप उन्हें गलत ठहरा रहे हैं, इट इज़ बेसिकली रॉन्ग, बिकॉज ऐसा नहीं है, है ना। हम नहीं जानते हैं, अभी तक कोई प्रूव्ड हमारे पास में इसका उदाहरण साबित नहीं हुआ है। हम कह सकते हैं कोई भी डिपार्टमेंट ये प्रूव नहीं कर पाया कि बेड से ही हुआ है। सो डोंट क्रिएट सच स्टोरीज एंड डोंट क्रिएट सच टाइप ऑफ एटमोसफियर जिससे कि बैट को विलनाइज होना पड़े। मतलब ऐसे जो अमुक, जो हम कह सकते हैं क्रिएचर्स हैं जो बिल्कुल डेफ एंड डम हैं, उन क्रिएचर्स को आप इफेक्ट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट मर्जर ऑफ टू ब्लैक होल्स। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, पहली बार ऐसा हुआ है कि दो ब्लैक होल्स जो बिल्कुल अनइक्वल मास के हैं, एक 30 टाइम्स है सन के मास का और एक 8 टाइम्स है, बिल्कुल अनइक्वल है दोनों, ये एक साथ में मर्ज होते हुए नजर आए, है ना, मर्जर नजर आया है इन दोनों ब्लैक होल्स का, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ है, कोरोना वायरस स्पेयर्स नो मेजर ऑर्गन ऑन द बॉडी। आपकी बॉडी का कोई पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर जो है कोरोना वायरस हमला करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्टडीज़ में पता चला है कि काफ़ी सारे ऑर्गन्स पर हमला करता है एक साथ में, मतलब ये पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पार्ट को ही इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे व्हाई पैथोजीन्स ट्रेवल इन सर्च ऑफ होस्ट। ऐसा क्यों होता है कि पैथोजीन जो है वो विचरण करते हैं कोई होस्ट मिल जाए उन्हें? देखिए पैथोजीन्स, देखिए एक जनरल बात करते हैं कि जूनॉटिक डिजीज़ क्रिएट करते हैं पैथोजीन्स। जूनॉटिक डिजीज़ क्या है? एनिमल्स से ह्यूमंस में होने वाली बीमारी, अब वो कि वाया वाया हो या डायरेक्ट हो, डजेंट मैटर। तो उन्हें क्यों ज़रूरत होती है? देखिए नेचर इसी तरीके से चलता है ना, उन्हें क्यों ज़रूरत होती है? जैसे कि हम देखते हैं यहाँ प्राइमरी ट्रांसमिशन के हमने कुछ देखे थे, वायरस देखे थे हमने, ऐसे एवियन इन्फ्लुएंजा, हमने इबोला देखा, मर्स देखा, निपा वायरस देखा, जनरली सार्स देखा, अब जो चल रहा है, ये सब, ये सारे वायरस जो है ये पैथोजेंस क्रिएटेड हैं, या हम कह सकते हैं दीज ऑल आर फ्रॉम सम एनिमल्स ओनली, है ना। तो ये जूनॉटिक डिजीज़ है। जूनॉटिक डिजीज़ क्यों क्यों बढ़ रही है जूनॉटिक डिजीज़, और क्या कारण है इसका, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, वो सारा इसके अंदर बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। इफ़ यू आर गोइंग टू हैव इट, आप रीड करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगी सारी चीज़ें, है ना। जूनॉटिक डिजीज़ हमने अभी लास्ट टाइम भी देखा था, बिल्कुल जो हम कह सकते हैं पैथोजन से, या हम कह सकते हैं ये जो वायरसेस हैं इनके बारे में बात की गई है कि इनसे, एनिमल्स से होने वाले, एनिमल्स से ह्यूमंस तक पहुंचने के लिए जो डिजी वायरस होते हैं, जो डिजीज़ क्रिएट करते हैं, उसे जूनॉटिक डिजीज़ कहते हैं,
ठीक है, अब हम बात करेंगे इमिग्रेशन बैन एंड द इम्पैक्ट। आपको पता है हमने अभी कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था कि इमिग्रेशन पॉलिसी लेकर आए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने ये कहा है कि हम लोग अब किसी को भी वीज़ा प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। इट मीन्स नो वन इज़ अलाउड टू एंटर इन आर कंट्री फॉर जॉब पर्पस बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू द जॉब। ऐसा क्यों किया गया है, ये स्टेटमेंट क्यों दिया है और क्यों ऐसा किया गया, हालांकि इसके लिए बहुत टोल भी किया गया उन्हें वर्ल्ड वाइड, लेकिन ये उनका डिसीज़न है खुद के देश को बचाने के लिए, खुद के देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, है ना। अब ये किस लेवल तक काम करता है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे, क्या नेगेटिव, ये सारी चीज़ें आपको इस आर्टिकल में देखने को मिलेगी। बिल्कुल बहुत अच्छे से क्वेश्चंस दे रखे हैं और उन क्वेश्चन को आंसर किया है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट है कि व्हाट आर द कंसर्न्स अराउंड द आरोग्य सेतु। अब आपको पता होना चाहिए लास्ट फ्यू डेज में मैक्सिमम डाउनलोड किया जाने वाला ऐप है आरोग्य सेतु ऐप। क्यों है ये ऐप इम्पॉर्टेंट, बिकॉज़ ये ब्लूटूथ और जीपीएस के माध्यम से आपके पास आसपास के अंदर एरिया के अंदर अगर कोई भी कोविड-19 से ग्रस्त व्यक्ति है या उसमें ऐसे कोई लक्षण हैं जो कि दिखाई दे रहे हैं कोविड-19 के, तो वो आपको अलर्ट करेगा इस कार्य के लिए। ठीक है, ये आपको पता लगाएगा कि ऐसी कोई अगर कंसिक्वेंसेस हैं, अगर ऐसे कोई पर्सन्स हैं, ऐसा कोई एरिया आपके पास क्रिएटेड है तो आपको उससे दूर रहना है, या आप में ऐसे पर्टिकुलर कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको किन मेजर्स को फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें इस ऐप में नज़र आती है। हालांकि बहुत लार्ज लेवल पे होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही है, आई मीन बीच बीच में टेक्निकल इश्यूज भी क्रिएट होते हैं, बट दिस इज़ द पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। अदर देन दिस, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला लास्ट डेज का जो ऐप रहा है वो आरोग्य सेतु ऐप रहा है ना। तो मिलियंस ने इसे डाउनलोड किया है। व्हाई शुड देयर बी मोर ट्रांसपेर, अब इसमें ट्रांसपेरेंसी क्यों होनी चाहिए, क्यों, कैसे ऐप काम कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सब क्यों पता होना चाहिए, बिकॉज हंड्रेड्स मिलियंस लोगों के जो है इसके अंदर डेटा जो है कलेक्ट हो रहा है, डेटा कंजर्व हो रहा है। तो अब मुझे एक बात बताइए, जिस ऐप में थाउजेंड्स मिलियंस हंड्रेड्स हम कह सकते हैं मतलब पूरे मिलियंस ऑफ इवन लोगों का डेटा जिसके अंदर कलेक्ट हो रहा है, क्या उस ऐप से कहीं ना कहीं हमें कोई ख़तरे की बात है कि हमारा डेटा लीक हो जाएगा या वॉट एवर कुछ भी, बिकॉज़ ब्लूटूथ डिवाइसेस से काफ़ी सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो जाते हैं ना। तो ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मेजर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसे जो है ट्रांसपेरेंसी रखी जाए इस मामले में। ठीक है, तो ये हमने इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़े। अदर देन दिस और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट नहीं हैं और इसके अलावा बात करें तो, बट स्टिल जो भी हमने इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आर्टिकल समझ में आए। मैंने बहुत छोटे में ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जिससे कि आप लोग खुद इन आर्टिकल्स को पढ़ें। देखिए एडिटोरियल आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके जो मेजरमेंट्स होते हैं वो बहुत टफ होते हैं। दिस विल नॉट बी पॉसिबल, इट विल नॉट बी पॉसिबल टू अंडरस्टैंड दीज आर्टिकल्स विदाउट एक्सप्लेनेशन, दैट्स वाई हम उन्हें डिकोड करते हैं लाइन बाय लाइन। बट हेयर टूडेज न्यूज़पेपर के अंदर मुझे नहीं लगता ऐसे कोई आर्टिकल्स हैं जो आपको इजीली समझ में न आए, बट स्टिल हमने सारे इम्पॉर्टेंट, इसके अलावा जो भी है वो जो न्यूज़ रिलेटेड है, जो कि बेसिक जो कोविड-19 या जनरल जो न्यूज़ है उससे रिलेटेड है, बट स्टिल आई वांट टू से यू शुड गो थ्रू द न्यूज़पेपर, और जो भी आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किए हैं उन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर बींग विथ मी, दिस वॉज आयुषी जोशी ऑन द चैनल ऑफ अचीव आई एस। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।